एनसीईआरटी के स्कूल के अंदर भी आ सकते हैं, मतलब एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इन शीट्स का। तो इसके अंदर ये शीट नंबर क्या बोली मैंने, 95 लिखना है, 95 गुम जाएंगे नहीं तो। ये कैसे नहीं है, नहीं मिली, कितनों के पास नहीं है 95? एक तो वही सेम बोल, 95 नंबर शीट बोल के आ जियो। फिर दो फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शीट है, एनसीईआरटी है, कम नहीं है। मैं पहुंचे नहीं वहां तक, तो एनसीईआरटी खत्म हुई है अभी तो। और क्या चल रहा है, एनसीईआरटी चल रही है सारी अभी तो। बहुत वैरायटी है यार। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, सपोज करो आपको ना एक एसी का साइकिल गिवन है, एसी के साइकिल में ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो रही है और मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 314। वो गएगा इस शेडेड पोर्शन में, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2/π टाइम्स मैक्सिमम ई नॉट, और ई नॉट कितना है, 314। आंसर मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे डिटेक्ट करना है इसे। जैसे क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है आपको ना, एक दो चीजें गिवन है इसमें, दो ग्राफ गिवन है। वो बोलता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, प्लीज मैं अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो जो भी सर्किट में एलिमेंट लगा हुआ है, चाहे वो आर है, चाहे एल है, चाहे सी है, वो एलिमेंट ऑपोजिशन कॉन्स्टेंट रखता है, चेंज नहीं करता। जितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लोगे ऑपोजिशन सेम है। ऑब्वियसली वो कौन होगा, रेजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टर को फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन इसमें ऑपोजिशन जो है, रेजिस्टेंस जो है, फ्रीक्वेंसी से बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये कौन होगा, इंडक्टर। क्यों इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर में XL क्या होता है, एल ओमेगा। तो XL ऑपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, ठीक, मतलब प्रैक्टिस ही हो रही है अब तो। नेक्स्ट है, ये भी करवाया था कि आप एक इसके अंदर ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। आज किया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, कैपेसिटेंस में क्या होता है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो ये तो हमने आज भी बुकलेट में किए थे ग्राफ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि क्या एक वोल्टेज ड्रॉप, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर में और कैपेसिटर में जब वो सीरीज में लगे होते हैं, ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। वो कह रहा है कि
अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 मिनट देखें, जब हम डीसी यूज किया करते थे, अगर आपको याद है, तो अगर ये वोल्टेज 10 वोल्ट है और अगर ये 4 वोल्ट है तो ये 6 वोल्ट है। तो एक बात तो पक्की थी कि यहाँ की जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ की वोल्टेज से तो कम ही आएंगी, क्योंकि इनका जो सम है वो इसके इक्वल होता है। डन, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। वो कह रहे हैं कि यहां पर लेट अस सपोज एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और ये जो सोर्स है ये क्या है, एसी सोर्स है। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या नेट वोल्टेज जो आएगी इसके क्रॉस, क्या वो इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज से बड़ी ही होगी, या ये भी बड़ी हो सकती है कि पता लगे वीएल नेट से भी बड़ा हो गया और वीसी नेट से भी बड़ा हो गया। कैसा पॉसिबल है कि नेट वोल्टेज ही हमेशा बड़ी होगी? कितने लोग एग्री करते हैं कि इसमें भी नेट वोल्टेज ही बड़ी होगी, और कितने लोगों को लगता है आंसर देखते हुए कि यार कुछ यस तो लिखा हुआ है, तो नहीं ऐसा नहीं है, हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे। और कितनों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि हाँ सही है, बोलो कैसे कैसे? बता दिया मैंने, आंसर छोटा भी आ सकता है। वो 10 स्क्वायर है, वो 10 स्क्वायर है, करके देखो, आंसर चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं। अंडर रूट भी तो लगा हुआ है ना, उसको नहीं देखना क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन मैंने गलत लिख दिया है, वो सही नहीं है, आपको खुद सोचनी पड़ेगी, वो काट दो उससे प्लीज, वो गलत है, वो मेरे से गलत लिखी गई, मैं खुद ऐसे सोच के आया और मैं खुद गलत हो गया, तो एक्सप्लेन करने लगा, मैं एक्सप्लेनेशन सही करूंगा अभी। अब बोलो, VL माइनस VC का स्क्वायर होता है, कुछ कुछ सही जा रहा है। वो कह रहा है देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो VL की वैल्यू 10 वोल्ट है, मान लो VC की वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक, बोलो नेट वोल्टेज कितनी है? अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का, लो जीरो ही आ गया, नेट वोल्टेज क्या आ गई? जीरो। जबकि इंडिविजुअल वोल्टेज कितनी है? 10 और 10। हो सकता है आपके सामने ही है, क्योंकि इसमें वो एडिशन का रूल तो चलता ही नहीं ना, इसके अंदर तो कुछ और ही रूल चलते हैं, वेक्टर के रूल चलते हैं, और वेक्टर के रूल में वीएल और वीसी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। कोई कहता है सर आपने बराबर ले लीजिए, तो मत लो यार, तुम 5 ले लो या 9 ले लो, तो ये लो, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, कर लो इसको जो करना है ये लो, तो भी आपके पास आंसर तो 1 ही आएगा, कम ही आ रहा है नेट वोल्टेज। तो ऐसा यानी कि पॉसिबल है, क्योंकि कैलकुलेशन वेक्टर का रूल फॉलो कर रही है, और वेक्टर एडिशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि नेट वैल्यू जीरो भी आ जाए। हम वेक्टर्स में फोर्सेस भी तो करते हैं, हम दो फोर्सेस लगाते हैं लेकिन नेट फोर्स जीरो आ जाती है, पॉसिबल है। क्लियर है यहां तक? तो वो एक्सप्लेनेशन काट सकते हो, बस यस कैसे एक्सप्लेन करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है? आरमन क्लियर है? आरमन क्लियर? आरमन ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है एक आर है, एक एल है और एक सी है, एसी का सोर्स है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तीनों में, तो उस केस में आपको यह बताना है करंट कैसे अफेक्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज, आर इज नॉट अफेक्टेड बाय दी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो पहला आंसर क्लियर है। दूसरा, अगर आपके पास इंडक्टर का केस है, इंडक्टर के केस में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स एल की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसी तरीके से अगर एक्स एल बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से जाना है, यहां से इन आर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं, कोई चेंज और करंट नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स एल बढ़ेगा, एक्स एल बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और लास्ट केस में एक्स सी में अगर ओमेगा बढ़ेगा तो बोलो एक्स सी क्या होगा? डिक्रीज, तो करंट क्या होगा? इंक्रीज। कोई डाउट इसमें? लिख लोगे आंसर? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे। आ गया आपका बल्ब, इंडक्टर, स्विच। देखो ये इंटरेस्टिंग है, रियली इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार है ये शीट। देखो, एसी सोर्स है, इंडक्टर लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है, दे दो। तो क्वेश्चन है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इसके कम कर दूं,
डिक्रीज कर दूं तो इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। बढ़ेगी, देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं रिपीट करता हूं। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दूं, तो हमने ईएमआई किया था, ईएमआई में जब एल का फॉर्मूला निकाला था उसके अंदर जब एन, क्योंकि एल जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम एन को कम करते हैं तो एल डिक्रीज होता है, एल डिक्रीज होता है तो एक्स एल डिक्रीज होता है, एक्स एल डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। पहला रूल समझ में आ गया, ठीक है यहां तक। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं एक कैपेसिटेंस को इंक्लूड कर दूं इसके साथ सीरीज में और उस एक्स सी की वैल्यू एक्स एल के इक्वल है सीरीज में, अब बोलो क्या होगा। अब जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया तो इंपीडेंस में एक्स एल एक्स सी को कैंसिल करेगा तो क्या जाएगा आर, तो इंपीडेंस ओवरऑल क्या जाएगी मिनिमम। भाई इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या जाएगा मैक्सिमम, तो इसकी ब्राइटनेस फिर से इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक बल्ब है, एक एल है और एक एसी सोर्स है, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल ये गिवन है, एसी सोर्स स्विच इज क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम, तो मैंने इसको बंद कर दिया इसे, और आयरन रॉड को इसमें इंसर्ट कर दिया आयरन रॉड को, तो आपको ये बताना है कि ग्लो ऑफ द बल्ब डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा अनचेंज होगा जब आयरन रॉड को इसमें हमने डाला, ये पहला पार्ट है इसका। मुझे एक बात बताओ, आयरन रॉड डालते ही एल का फॉर्मूला कितने टाइम्स हो जाता है म्यू आर टाइम्स, किया था हमने म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर टाइम्स, बढ़ जाएगा एल, जब एल बढ़ेगा तो एक्स एल बढ़ जाएगा, एक्स एल बढ़ेगा तो जेड बढ़ जाएगा, जेड अगर बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो ग्लो कम हो जाएगा। रूल समझ में आ गया यहां तक, ये कौन सा करंट चल रहा है एसी, लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर मैं रिप्लेस कर दूं एसी को किससे डीसी से, डीसी वर्ड यूज करते ही एक्सएल क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अकेला आर बच गया एक्सएल ने तो लगाना ही बंद कर दिया, तो ओवरऑल जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा तो ग्लो इसमें बढ़ जाएगा इंक्रीज होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, अ कैपेसिटेंस सी वेरिएबल रेजिस्टर आर, एक सी है एक आर है और एक बल्ब है सीरीज में है, बल्ब ग्लोज विद सम ब्राइटनेस, ठीक है बल्ब जग रहा है इसमें कुछ ब्राइटनेस से, अब वो कह रहा है इसका ग्लो चेंज कैसे होगा फिर से। अब मैं कैपेसिटर में क्या इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कीपिंग आर सेम, जब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम, के टाइम कैपेसिटेंस बढ़ गई तो एक्स सी क्या हो जाएगा कम, कम एक्स सी कम होगा तो रेजिस्टेंस ओवरऑल कम होगी तो फिर करंट बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा ग्लो करेगा तो ग्लो इंक्रीज हो जाएगा, कोई डाउट इसमें, शायद क्लियर है यहां तक, ठीक। आगे अब वो कह रहा है कि सी को कांस्टेंट कर दो, कैपेसिटर चेंज नहीं करना, आर को बढ़ाना शुरू कर दो, जब आर बढ़ेगा तो ओवरऑल करंट कम होगा तो ग्लो क्या हो जाएगा डिक्रीज कम हो जाएगा, तो रूल समझ में आ रहा है यहां तक इंक्रीज डिक्रीज का। हमने अभी तक एलसीआर में ग्राफ प्लॉट किया था करंट वर्सेस ओमेगा का, ग्राफ आया था इस तरीके से, ये कह रहा है ग्राफ प्लॉट करो किसका जेड का इंपीडेंस का विद फ्रीक्वेंसी, पहला ग्राफ है ये, हमने कोई डिस्कस नहीं किया, तो इंपीडेंस के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस क्या हो जाती है मिनिमम आर, अदरवाइज ज्यादा रहती है, तो ये ग्राफ का वेरिएशन याद रखना है कि इंपीडेंस में आर की वैल्यू पर मिनिमम है अदरवाइज वेरिएशन आपके सामने है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक।
नेक्स्ट है, फिर से एक बार बल्ब है, फिर से वही सोलेनोइड है और उसमें एक रॉड भी है। इंपॉर्टेंट ये है, इस बार बैटरी कौन सी लगा के दे रहा है? अभी चिंता तो पड़ती नहीं, इंडक्टर देके सोचती है एसी है, पढ़ लेना एसी है या डीसी। अब ये बैटरी है, क्योंकि बैटरी का करंट कुछ देर के लिए तो बढ़ेगा, जब ऑन करेंगे स्विच उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एसी होता कॉन्टिन्यूसली चेंज ही होता रहता है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक डीसी के साथ कनेक्टेड है, आपने स्विच को ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया, आप बताओ कि बल्ब की वेरिएशन ग्लो क्या होगा। आप सोचो इसके पास मान लो 3 एम्पियर करंट है मैक्सिमम, तो जब ये इसको करंट देगी 0, 1, 2, 3, जब ये 0, 1, 2, 3 बढ़ रहा होगा करंट, तो तब तक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना काम कर रही होगी, तो ग्लो तो बढ़ेगा, करंट तो बढ़ रहा है, ओवरऑल तो बल्ब में करंट बढ़ ही रहा है, पहले जीरो फिर एकदम नहीं बढ़ रहा, अपोजिशन की वजह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, फिर करंट 3 एम्पियर हो गया बैटरी का, फिर बढ़ना बंद हो गया, 3, 3, 3, 3, 3, इंडक्टर का रोल खत्म, फिर उसमें ग्लो उसका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जब ये ऑन करेंगे स्विच तो आपने लिखना है कि ग्लो बढ़ेगा, फिर वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट पीछे से कॉन्स्टेंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, डीसी एसी को कैसे सोचना है समझ में आ रहा है यहां तक। फिर वो कह रहे हैं कि अगर मैंने पूरा रिप्लेस कर दिया विद एसी, फिर क्या करेंगे? एसी के अंदर आंसर ऐसे होगा, जब आप एसी लगाओगे तो सोलेनोइड के अंदर क्या पड़ा हुआ है? आयरन कोर। आयरन कोर का एल बहुत बड़ा हो जाएगा, वो एल से एक्सएल बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस एक्सएल की बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ग्लो ऑब्वियसली जेड इंक्रीज हो जाएगा, तो आई कम हो जाएगा, तो ग्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई जब एसी लगाओगे तो सॉफ्ट आयरन कोर तो बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्योंकि वो म्यू आर टाइम्स एल कर देगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ग्लो कम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इस डायग्राम को देखते हुए आपको यह बताना है कि आइडेंटिफाई द ग्राफ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। आज क्लास में किया था सीरीज रेजोनेंस के अंदर, सीरीज रेजोनेंस के अंदर ये आपके पास एक ये ऐसा ग्राफ बनता था, मैंने लिखवाया भी था ये पॉइंट क्या है, XL is equal to XC, और मैंने कहा था आपकी अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेजोनेंस से बड़ी हो जाती है तो XL greater than XC का रीजन है, किया था। ये भी तो वही कह रहा है कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो 1/√LC से बड़ी है, और अगर ऐसा है तो सही है, XL greater than XC। ओवरऑल सर्किट को क्या मानेंगे? इंडक्टिव, इंडक्टर बेस्ड है। इंडक्टर के अंदर कौन आगे होता है, वोल्टेज की करंट? वोल्टेज। करंट क्या होता है? पीछे होता है। अगर आपको ओनली इंडक्टर की डेरिवेशन याद हो, हमने क्लास में डेरिवेशन की थी जब फेजर डायग्राम सीखे थे फर्स्ट टाइम, तो ये आंसर बनता है, क्योंकि E इज E नॉट साइन ओमेगा टी, और देखो माइनस कॉस, इंडक्टर में क्या आता था? माइनस कॉस। कैपेसिटर में क्या आता था? प्लस कॉस। तो ये इंडक्टर का ग्राफ याद होना चाहिए और ये कैपेसिटर का, तो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे पहचान करनी है समझ में आ रहा है? और अगर बेस क्लियर है छोटी छोटी चीजों का तो देखो कैसे फिट इन होती है चीजें, समझ में आती है। ठीक है, यहां तक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं इसकी। एक प्रॉब्लम, अच्छा एक और है, हाउ, देखो नेक्स्ट है, फिगर शोज हाउ रिएक्टेंस चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। तो रिएक्टेंस एक्स एल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, एल निकालना है। तो ये एक्स एल है और ये फ्रीक्वेंसी है, और हमें मालूम है एक्स एल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर एक्स एल क्या है? एल ओमेगा, 2/2 फ्रीक्वेंसी, एल निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप ये छोड़ो सारी चीजें, आपको एक्सएल और एफ चाहिए ना, आप कोई मर्जी पॉइंट ले लो, जैसे कोई कहता है मैं 300 फ्रीक्वेंसी लूंगा, तो एफ को 300 पुट कर दे और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सएल क्या जाएगा? 6 आंसर। कोई कहता है मैं तो 200 लूंगा, तो 200 ले लो, तो ये क्या आएगा? एक्सएल 4। कोई कहता है मैं तो मैथ लगाऊंगा, तो लगा लो भाई, स्लोप है एक्सएल और एफ, एक्सएल अपॉन एफ क्या है? लाइन की स्लोप है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा लो। मेडिकल वाले मत लगाएं, मेडिकल वाले एक्सएल और एफ कोई भी रैंडम पुट कर दे आंसर आ जाएगा, डन, तो हो जाएगा सॉल्व।
मैथ्स वालों को स्लोप से भी समझ में आता है और एक तो आंसर आ ही जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इसमें ये जो इंडक्टर की बात हो रही है जिसकी एल की वैल्यू हमने निकाली, इस इंडक्टर को सीरीज में लगाते हैं विद रेजिस्टर ऑफ 8 ओम, 8 ओम सीरीज में लगाते हैं, तो अब ये आरएल सर्किट हो गया, और जब फ्रीक्वेंसी कितनी है 300, तो आपको इंपीडेंस बतानी है। तो इंपीडेंस आरएल सर्किट की क्या होती है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर तो दे दिया उसने 8, एक्सएल क्या लेंगे 300 के कॉरस्पॉन्डिंगली 6, तो 6 लेंगे। अगर वो कहता फ्रीक्वेंसी 200 लेनी है तो फिर क्या लेते, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें ऑप्शंस पुट करनी है, कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे ये एक सर्किट है, अ सीरीज एलसीआर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट टू 50 हर्ट्ज सप्लाई, मतलब आपको दिख ही रहा है कि एक आरएमएस वैल्यू और एक फ्रीक्वेंसी है। अगर वोल्टेजेस V1 V2 V3, पहली बात तो यार कंफ्यूज नहीं होना, ये सीरीज सर्किट ही है, ये ऐसी मीटर लगा रखे हैं ताकि इसमें रीडिंग आ जाए आर के क्रॉस, सी के क्रॉस और एल के क्रॉस। तीनों रीडिंग्स आपको गिवन है V1 V2 V3, यानी कि V आर गिवन है, V सी गिवन है और V एल भी गिवन है। आपको निकालना है इसमें आरएमएस करंट कितना है, करंट करंट मींस आरएमएस करंट। तो एक तो तरीके आप ई आरएमएस लो, टोटल जेड निकाल लो और आप पुट करो आई आरएमएस इज वी आरएमएस बाय जेड। जरूरत क्या पड़ी है, ओम लॉ लगा दो सिर्फ इस पोर्शन में, बस अलग से लगा दो कि करंट तो सीरीज में क्या रहता है सेम, आपको वी आर तो पता ही है, आपको रेजिस्टर आर पता है, तो सीधा आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाय आर, डन। एक ही बारी में आंसर आ जाएगा 0.65। फिर वो कहते हैं मुझे एल निकाल के दो, तो कुछ नहीं करना, अब एल पोर्शन में ओम लॉ लगा दो तो करंट तो सेम रहेगा आई आर एम एस, तो वी एल इज आई आर एम एस इंटू एक्सएल। अब VL मुझे पता है इसमें क्वेश्चन में गिवन है, IRMS मैंने निकाल लिया, तो यहाँ से XL आएगा, XL क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी, यहाँ से L आएगा। ठीक, फिर वो कहते हैं मुझे C निकाल के दो, अब ओम लॉ C में लगा दो, VC इज IRMS into XC, XC इज 1 by C ओमेगा, ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी, VC पुट करके C आ जाएगा। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सी निकाल के दो फिर से, पर आपने सी तो निकाल दिया, नई वैल्यू ऑफ सी निकाल के दिखाओ जब एल सेम है, ताकि एल और सी किसमें हो जाए, इन रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की कंडीशन बोलो, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, एल को तो क्या रखना है सेम, जो ऊपर निकाला वो नहीं चेंज करेंगे, पर यहां पर एक्स सी को क्या लिखेंगे, सी डैश इंटू ओमेगा। देखो अब सी नहीं लिखेंगे, अब नया सी निकालना है, सी डैश करके चलेंगे, तो यहां पर L टाइम्स ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और यहां पर C डैश इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आप ना यहां लिख लो XL इज इक्वल टू XC एक स्टेप में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, XL इज इक्वल टू XC एक स्टेप लिख लेना, उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, तो C डैश कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, कोई डाउट इसमें?
शीट नंबर 96, शीट नंबर 96, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये ना इतनी बार नीट में, मेंस में और एनसीईआरटी में आया हुआ है ना, कि बस मतलब आप पूछो ही मत, आप जिस भी पेपर में देखोगे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ये भी मिली नहीं आज की बैच में, किसी को नहीं मिली? मिली कितने को नहीं मिली? बुलाना उसे, एक मिनट यार, अभिषेक बुलाना। देखो इसमें आपको एक रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखो इधर, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर आपको इसमें लगा दिख रहा है, करंट इसमें जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है, प्लीज इंक्रीज हो रहा है, या वो कहेगा इंक्रीज हो रहा है, या वो कहेगा डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी कहेगा, मान लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और कैसे इंक्रीज हो रहा है? डीआई बाई डी टी गिवन है, 3 एम्पियर एक सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है, पर अभी इंस्टेंट पे कितना करंट है? 1 एम्पियर है, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा। आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, करंट की डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट विद वी ए, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई इंटू फोर, ठीक, इधर माइनस आई इंटू फोर, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी? माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना? वीपी, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन में वी ए माइनस वीबी निकालना है, करंट आपको पता है 1 एम्पियर और डी आई बाई डी टी कितना है? 3, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आसान है, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी वो करंट को इंक्रीज की बजाय क्या दे देगा? डिक्रीज। जब करंट डिक्रीज होगा, ध्यान से सुन लो, जब करंट डिक्रीज होगा तो ये डी आई बाई डी टी जो कि प्लस 3 पुट किया ना आपने यहां पे, इसकी वैल्यू 3 है, वो माइनस 3 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग में रेट क्या माना जाता है? पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में क्या माना जाता है? नेगेटिव। वैसे ये तो क्लियर है अगर इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग होगा तो ये टर्म, ये तो क्लियर है यहां तक, तो ऐसे ही है, डी आई बाई डी टी की जगह माइनस 3 पुट करना पड़ेगा, माइनस माइनस ये टर्म क्या हो जाएगी? प्लस। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट बना दिया, मैंने लिख दिया अगर करंट क्या होगा? डिक्रीज। तो आप ना यहां पर एक शॉर्टकट ही बना दो, माइनस की जगह आप यहां पर प्लस ही लग जाएगा, पर यहां माइनस मत पुट करना, यहां 3 ही पुट करना, आप एक जगह एक रूल बना लो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये टर्म माइनस, डिक्रीज हो रहा है तो प्लस, पर यहां फिर मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। अच्छा, अगर करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0, फिर उड़ी जाएगा, फिर वी ए माइनस वी बी कैन बी